हाँ जी, क्लास एट एक्सरसाइज 2.5 सम नंबर 5th की अपने को स्टेटमेंट 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 3 माइनस टी, तो इन्हों आप सॉल्व करना। तो पहले इन दो ले लिए आप एलसीएम 4 3 r 12। ठीक है, हूँ ये 3 नू करना है ये मल्टीप्लाई माइनस उदा ही, तो 4 नू करना है ये मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इनू नीचे ला लिए 1 तो आपस मल्टीप्लाई हो तो 3, 2 तो 3 मल्टीप्लाई किया आ गया 3t। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन कर लें, 3 3 r 9t माइनस 3 2 r 6 माइनस 4 2 r 8t प्लस माइनस माइनस 4 3 r 12 डिवाइडेड बाय 12 2 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। 9 चु 8 गए टी, तो 12 माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस था, 12 तो 6 कि आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 12 2 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 3 की कर दी हूँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई 3t माइनस 18 12 2 माइनस 3t 3 नू टी मल्टीप्लाई किया 3t तो 18 3 आर कि आता है 54 12 2 आर 24 12 3 आर 30 60। हूँ टी वाली एक साइड पर लै जाने माइनस 36 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, माइनस 54 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 36 से 3 प्लस कर दिए 39 इन्होंने प्लस कर देने 4 4 8 5 2 79 टी रह गया इधर 39 गया चला नीचे। जा तो इनू की करो तुम भी सीधा ही 39 के टेबल से कट दो, क्योंकि 39 के टेबल से 2 तो जाके आता हों 78 जाके 3 के टेबल से कट लेने, चलो 3 तो कट लेने 1 3 3 2 r 6 तो 18 बन गया 3 6 r 18 13 1 13 13 2 r 26 तो टी की वैल्यू कि आ गई, टी टी की वैल्यू कि आ गई अपने को 2।